टी प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो टी को प्रेस करते जाइए करते जाइए, यहाँ पर ये आपका सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाएगा हम इसको टी प्रेस करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये सर्किल बन चुका है। एक बार यहाँ पे बैक स्पेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सर्किल बन चुका है। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे चले जाना है और यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके लिए आप शॉर्ट कमांड का भी यूज कर सकते हो कंट्रोल एन। तो सिंपल यहाँ पर हमें अभी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक न्यू पेज लेने के लिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप फाइल का नाम डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी फाइल नाम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 001 दे देता हूँ। प्रीसेट्स में आपको यहाँ पे कस्टम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्सल्स में आपको यहाँ पे इंच कर देना है विडिट, और हाइट में यहाँ पर आपको लिख देना है 12 इंच बाय 12 इंच। आपको स्क्वायर में लेना है, यानी कि चारों साइड से हमारा साइज बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे 100% रेजुलेशन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे RGB, यहाँ पे मोड में RGB कलर ले लेना है, और कंटेंट्स में आपको वाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ से ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीका से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीका से लेयर पैनल को ओपन करना कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे विंडो में चले जाना है और लेयर ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हो हाइड हो गया, और यहाँ पे लेयर पैनल में जाने के बाद ये आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीका से अपना लेयर पैनल को भी ओपन कर लेना है। तो आपने इस तरीका से लेयर पैनल को ओपन करने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे टूल्स बार में आपको शेप मेन्यू पे चले जाना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको कस्टम शेप टूल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कहीं पर भी राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको शेप आ जाएंगे, बने बनाए डिजाइन। अगर आपके पास इतने सारे डिजाइन नहीं आ रहे तो यहाँ पर आप छोटा सा एरो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे इस तरीके से ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपके पास इसी तरीका से सभी शेप्स आपको दिखने लगेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीका से आपको शेप को ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको राउंड शेप ले लेना है, ये वाला शेप आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करके इस तरीका से इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पे जब आप शेप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास शेप के ऑप्शन पे क्लिक है शेप लेयर में, तो आपको यहाँ पे पाथ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से शिफ्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इस तरीका से ड्रैग कर लेना है, यानी कि इसको खींच के राउंड बना लेना है। तो यहाँ पर आपका पाथ बन जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने लेयर पैनल में चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक न्यू लेयर ले लेना है, जैसे यहाँ पर न्यू लेयर हो गया लेयर 1। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्ट ई एस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेते हैं, मैं अभी फिलहाल ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इनसाइड या सेंटर कुछ भी ले सकते हैं आप, तो अभी मैं इसको सेंटर ले लेता हूँ। मोड में आपको 100% यहाँ पर नॉर्मल कर देना है, और ओपेसिटी में 100% कर लेना है। उसके बाद आपका काम हो गया। अब यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर सर्किल हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मोटा हो चुका है, अभी हम इसको पतला कर लेते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल अल्ट जेड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से अल्ट ई एस प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके जगह पे आपको 7 पिक्सल ले लेना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लाइनिंग पतला हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको मूव टूल को सेलेक्ट कर लेना है टूल्स बार में। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करना है, जिससे आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो ये साइज यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 0.5 पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपल इसमें आपको 0 ही क्लिक करके रख देना है, छोड़ देना है आपको 0.0 लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक से इस तरीका से इसको झुका लेना है। ठीक है, उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बीच वाला जो राउंड सर्कल है इसको यहाँ पे सब पे नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है। उसके बाद इस तरीका से आपको इस तरीका से झुका देना है यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं फिलहाल इसमें यहाँ पर 7% ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये झुक गया है, तो इसको सेलेक्ट कर देने का, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो टी को प्रेस करते जाइए करते जाइए, यहाँ पर ये आपका सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाएगा हम इसको टी प्रेस करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये सर्किल बन चुका है।
एक बार यहाँ पे बैक स्पेस कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सर्किल बन चुका है। अब यहाँ पे लेयर पेन में देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे 50 लेयर बन चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिंक करते चले जाना है नीचे तक, फिर इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इसको लिंक कर देंगे। तो सभी को यहाँ पर इस तरीके से लिंक करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे इसको फिर अलग कलर दे सकते हैं हम यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर सभी को हम लिंक कर रहे हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस तरीका से आपको भी लिंक कर देना है, ठीक है। लिंक करेंगे तभी जा कर के ये एक साथ एक सर्किल में जुड़ा हुआ रहेगा, और नहीं तो आपका इधर उधर भाग जाएगा, फिर आप इसको समेट नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके, यहाँ पर मैं इसको फटाफट इसको मैं लिंक कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरा सभी लेयर को लिंक कर लिया है हमने, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो यहाँ पर सभी लेयर यहाँ पर एक साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इसको सिंपल उठा के आप कहीं भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये मर्ज करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका अगर कलर चेंज करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाना है, उसके बाद सॉलिड कलर पे चले जाएं, और नहीं तो आप सिंपल यहाँ से फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर चले जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है कलर ओवरले। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ से लेयर पर चले जाना है और लेयर स्टाइल में चले जाना है, और यहाँ पे कलर ओवरले पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको कलर चूज करने का कई सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे कलर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, जहाँ पे मैं जो भी कलर चाहूँ मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो ये है हमारा, ये है तरीका इसको शेप को डिजाइन करने का। तो इस तरीका से मेरा शेप डिजाइन हो गया। अब हम इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसको हम किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं, या किसी भी तरीका से हम इसको इस तरीका से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे कलर ओवरले पे चले जाना है, और यहाँ पे ग्रेडियंट लेयर पे चले जाना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको रेडियल पे क्लिक कर देना है, और रेडियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इसको बीच में आप यहाँ पर सेंटर में कर दें, और सेंटर में करने के बाद यहाँ पर आप कोई एक कलर ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यही वाले कलर को ले लेता हूँ, और इसे लेने के बाद मुझे यहाँ पे स्मूथनेस यहाँ पे आपको यहाँ पे 150% कर लेता हूँ मैं। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल ओके कर दें, या तो आप कोई और कलर ले सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीका से आप अपना शेप को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने इसको छोटा कर लिया। इस तरीका से आप अपना शेप को डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको शेप करना है तो सिंपल आपको फाइल में चले जाना है और सेव पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्ट कमांड Ctrl+S है, और डेस्कटॉप में जा करके आप यहाँ पे फाइल नाम दे करके कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करें, और यहाँ पे फाइल का नाम डालें, और यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपका फाइल इजीली सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।